जय श्री कृष्णा दोस्तों, अब हम बेसन की चिक्की बनाने जा रहे हैं जिसको मोहनथाल भी बोलते हैं। उसके लिए थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दूध डाल के हम आस्ते में मिक्स कर लेंगे बेसन में, हाथ से मसल के। इसको 20 मिनट तक ढक के रख देंगे। मैंने इलायची व बादाम वगैरह काट लिए है। 20 मिनट हो चुके हैं। एक छलनी से इसको छान लेंगे। इससे हमारा मोहनथाल है वो दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसको भी हाथ से मसल के हम बारीक छल्ली से छान लेंगे। कढ़ाई में घी ले लेंगे, उसमें सारा बेसन डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा सा घी और लेंगे इसमें। इसको धीमी आंच पे हम सेकेंगे, लगातार हिलाते हुए। ये देखिए, ये हमारा बेसन सिक चुका है, एकदम फ्लफी फ्लफी हो चुका है। देखिए, अब चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो शक्कर ली है और उसमें आधा गिलास पानी डाला है। ये चाशनी उबलने के बाद थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि इसका मैल ऊपर आ जाए, शक्कर में जो भी गंदगी रहती है वो ऊपर आ जाती है। इसको निकाल दीजिए। इसमें डेढ़ तरह की चाशनी हम बना रहे हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। ये हम बेसन में डाल देंगे। ये हिलाते हुए मिक्स कर देंगे शक्कर की चाशनी को मोहनथाल में। इलायची और काजू बादाम के टुकड़े हम इसमें मिक्स कर देंगे। गैस की आंच बंद कर दीजिए। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है दोस्तों। ग्रीस की हुई थाली में हम इसको निकाल देंगे। मोहनथाल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, एक बार बना के जरूर देखिएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम कट कर लेंगे पीस। ये थोड़ा सा बचा हुआ कतरन वापस डेकोर कर रही हूँ मोहनथाल पे। ये
थोड़ा ठंडा होने के बाद हम पीस कर रहे हैं। ये देखिए हमारा